0 to infinity. Next regulation है regulation number 29 qualification and appointment of safety officer. Safety officer का appointment कब करेंगे mines में आइए जानते हैं. In every below ground mine the average monthly output of which exceeds 5000 ton or in every open cast mine the average monthly material handle of which exceeds 20,000 cubic meter. The manager shall be assisted in the work of promoting safe practices in the mine by a safety officer who shall be a person holding the following qualifications, namely, ऐसी हर एक अंडरग्राउंड माइन जिसका एवरी मंथली आउटपुट 5000 टन से ज्यादा हो और ऐसी हर एक ओपन कास्ट माइन जिसका एवरी मंथली मटेरियल हैंडल 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो तो माइंस में सेफ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए मैनेजर को एक सेफ्टी ऑफिसर असिस्ट करेगा और सेफ्टी ऑफिसर कौन हो सकता है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है अगर अंडरग्राउंड माइन में बिलो ग्राउंड माइन में एवरेज मंथली आउटपुट 15,000 टन से ज्यादा है तो उस माइन में ऐसा पर्सन ही सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो कोल में और वो भी नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली होना चाहिए. यानी अगर उसके पास रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होगा और माइन का एवरेज मंथली आउटपुट 15,000 टन से ज्यादा है अंडरग्राउंड माइन का तो वो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया जा सकता. सेकेंड पॉइंट बी है अगर ओपन कास्ट माइन में एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल 50,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो तो वहां पे कोई भी फर्स्ट क्लास मैनेजर कोल वाला सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अगर सिर्फ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लिखा है कहीं पर भी तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पे रेस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रिक्टेड की बात नहीं है. कोई भी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हो सब वैलिड है. लेकिन जहां स्पेशली लिख दिया हो कि फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली देन ओनली वहां पे वो नॉट रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा. सी पॉइंट देखिए अगर अंडरग्राउंड में बिलो ग्राउंड माइन में एवरेज मंथली आउटपुट 10,000 टन से ज्यादा है लेकिन 15,000 टन या फिर उससे कम है तो उस माइन में जो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है अगर उनके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट या फिर सिर्फ अगर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट भी हो तो वो पर्सन उस बिलो ग्राउंड माइन के लिए सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट डी आती है ओपन कास्ट माइन की बात. अगर किसी ओपन कास्ट माइन में एवरेज मंथली मटेरियल हैंडल 20,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा लेकिन 50,000 क्यूबिक मीटर या उससे कम तक है तो उस केस में उस माइन में उस ओपन कास्ट माइन में कोई भी पर्सन जिसके पास या तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो वो उस माइन में सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट ई पॉइंट कहता है अगर किसी बिलो ग्राउंड माइन में एवरेज मंथली आउटपुट 5,000 टन से ज्यादा हो लेकिन 10,000 टन या उससे कम हो तो उस माइन में ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास अगर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट ओनली हो या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो जो कि नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट हो या फिर डिग्री हो सिर्फ या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग हो तो ऐसे क्वालिफिकेशन वाले पर्सन सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं. अब हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली क्वालिफिकेशन पढ़ ली अब देखिए क्या स्पेशल प्रोविजन से प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल कंडीशंस एग्जिस्ट द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन परमिट और रिक्वायर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेफ्टी ऑफिसर इन वेरिएशन ऑफ दीज प्रोविजंस. मतलब जहां पे स्पेशल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हूँ किसी माइन में अगर कोई स्पेशल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हूँ स्पेशल कंडीशंस कहने का मतलब हो गया कि जो इस रेगुलेशन में एक्सप्रेसली लिखा हुआ नहीं है जो कंडीशन स्पेशली लिखी नहीं गई है उन कंडीशंस की बात करें स्पेशल कंडीशंस या चीफ इंस्पेक्टर की ओपिनियन में कोई स्पेशल कंडीशन है या माइन ऑफिशियल्स के ओपिनियन में कोई स्पेशल कंडीशन है जिसे वो चीफ इंस्पेक्टर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं तो उस केस में क्या होगा जिस माइन में भी स्पेशल कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगे वहां पे चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकते हैं और ऑर्डर में वो जो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आइदर वो किसी सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को परमिट कर सकते हैं या फिर किसी माइन में सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर सकते हैं. इवन दो हो सकता है कि ऊपर दिए गए जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट ना हो
एग्जाम्पल के लिए अगर 5,000 टन से एवरेज मंथली आउटपुट कम है, ओपन कास्ट में 20,000 क्यूबिक मीटर से कम है, लेकिन कोई अगर स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो चीफ इंस्पेक्टर ऐसी माइंस में भी सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को मैंडेटरी कर सकते हैं। ये चीफ इंस्पेक्टर की स्पेशल पावर है। नेक्स्ट देखिए, फिर कंडीशन दी हुई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द चीफ इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ अ माइन और ड्यू टू अदर कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट अ माइन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेफ्टी ऑफिसर टू अटेंड टू हिज ड्यूटीज बाय हिमसेल्फ ही मे by an order in writing and for reasons to be recorded therein require the appointment of such number of persons holding such qualifications as he may specify in the order to assist the safety officer. Iska explanation dekhiye, agar chief inspector ka aisa mat hai, chief inspector ka aisa manna hai, unka aisa opinion hai ki kisi mine ka size bada hai ya fir mine mein kuch alag type ki conditions exist kar rahi hain और सेफ्टी ऑफिसर के लिए अकेले पॉसिबल नहीं है पूरी माइन में अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना, तो उस कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, वो एक रिटन ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और ऑर्डर में ऐसा ऑर्डर वो क्यों इशू कर रहे हैं, इसके रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए ऐसी रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हैं कि वहां पर कुछ एडिशनल नंबर ऑफ पर्सन को अपॉइंट किया जाए जो कि सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करेंगे, और साथ ही जो पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे एडिशनल नंबर उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के असिस्टेंट को अपॉइंट करने की बात कही जा रही है।